हेलो गुड मॉर्निंग, मैं पूनम आप सबों का मेरे झारखंड किंडो ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस चैनल में मैं अपने छत पर मुर्गी का पालन की हूँ और वहाँ कबूतर भी है, तो उसके बारे में दिखाती हूँ। और जैसे मुर्गी का जो चूजे कुड़ुक से कभी नहीं निकलते हैं, तो मैं उसे इनकी ब्यूटर अपने हाथों से बनाई हूँ, तो उसमें डाल के बच्चे निकलते हैं, तो मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। अभी भी आज मैं उसी का अपडेट देने वाली हूँ। चलिए बैक कैमरा से देख लीजिए। मैं आज फिर से मेरे मुर्गी के घर में आ गई हूँ। मेरा जो कड़कनाथ मुर्गी देखिए नीचे है, ये डेली अंडा देती है लेकिन अपने अंडे को खुद खा लेती है। पहले ही मैं बताई थी कि बहुत परेशान कर रही है, तो मैं आज सोची कि उसके लिए कुछ उपाय करूँ। और देखिए यहीं पर अंडा देती है, तो मैंने इसे पीछे देखिए टीना को इस तरह से बना कर दी हूँ और थोड़ा उस तरह नीचे ढलान की हूँ। और पीछे साइड में है थैला, देखिए इस तरह से एक थैला को लटका दी हूँ। और जैसे यहाँ अंडा देने के लिए बैठेगी और यहाँ अंडा देगी तो सीधा नीचे थैले में चला जाए और मेरा अंडा बच जाए। मैं कितने दिनों से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पाई थी, तो चलिए आज मैं बनाई हूँ और देखती हूँ। मैं अंडा लेके आई हूँ उसे, जैसे इस तरह से अंडा देगी तो सीधा वहीं पर चला जाएगा। फिर मैं आसानी से इस साइड से इस तरह से निकाल दूंगी ताकि दूसरा मुर्गी भी अंडा दे तो यहीं पर थैला में चला जाए। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो चिड़िया, इस वाले में चिड़िया कबूतर अंडा दी थी दो, लेकिन देखिए वहाँ भी मुर्गी अंडे देना चालू कर दी है और दोनों अंडे को नाश कर दी मुर्गी। देखिए मैं क्या कर, इस बार उतना अच्छा से मुर्गी चिड़िया का बच्चा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर डेली मुर्गी ही अंडा दे दे रही है, तो क्या करूँगी। देखिए आज कल का दो अंडे है। चलिए अब चलती हूँ, बाद में देखती हूँ कुछ देर में। मैं सोच रही हूँ मेरे चार या पांच मुर्गे हैं, तो इसमें से केवल दो मुर्गे को बचाऊंगी और बाकी को हटा दूंगी। देखिए मैं कल तो नहीं दिया था, मैं दूसरे दिन आई हूँ और जहाँ पे मैं बनाई हूँ वहाँ नहीं बैठ रही है और इधर बगल में बैठी थी, तो मैं तीनों छेद दरवाजे को बंद कर दी हूँ। अब देखती हूँ वहाँ जाके बैठती है या नहीं। यही है देखिए इस वाली कड़कनाथ की मुर्गी, देखिए देख तो रही है लेकिन उसमें नहीं जा रही है। अब देखते हैं, इतनी चलाक है देखिए, अब कौन सा में जाती है। मैं पहरा कर रही हूँ। दूसरी कड़कनाथ भी ऊपर चढ़ गई है, अब देखते हैं ये अंडा देती है या नहीं। वो तो बैठी है वहीं पर क्योंकि उसे मैंने जगह नहीं दिया है बाकी साइड में, तो इसीलिए कुछ देर इंतजार करूंगी। चलिए मैं फिर से आ गई हूँ मेरे छत पर चिड़ियों को देखने के लिए। और मुझे लगता है मेरा किसी चिड़िया ने जो अंडे थे उसमें से बच्चे आ गए हैं, तो चलिए आज चेक करते हैं अंडे फूटे हैं या नहीं।
यहीं से एक तो छूटा हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं, एक ही शायद फूटा है, देखिए। चलिए रख देते हैं, एक तो अंडा ही है, पता नहीं है तो शायद खराब होगा लग रहा है। और मुझे कल ही आवाज आई थी चू चू करके, कहीं और तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए फिर से एक अंडा दिखाती हूँ, और कहीं पर नहीं है, यहाँ पर फिर से एक अंडा है। कल कड़कनाथ तो अंडे नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर एक अंडा है, देख रही हूँ। चलिए ले जाते हैं, देखिए। और चलिए आज मैं सोच रही हूँ मेरा जो इनक्यूबेटर का अंडा कितने दिन हो रहा है देखूंगी, और चेक दिखाऊंगी आप सबको कि उसमें कितना बच्चा बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं। चलिए मैं आ गई हूँ मेरा इनक्यूबेटर के अंडे चेक करने के लिए। तो 19 जनवरी को मैं डाली थी यहाँ पर, और आज है, आज है 31 फरवरी, आज 13 दिन हो गया है। और चलिए चेक करके देखते हैं, देखिए देखिए 16 अंडा डाली थी, उसमें से केवल शायद 10 अंडे हैं, इसमें बच्चे बन रहे थे, लेकिन अभी भी समय है, कितना बच पाता है। चलिए देखिए, इतना तो बन ही रहा है अभी तक, तो इसका ठीक ही प्रोसेस चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा सा आकार दिख रहा है। दूसरा को भी करते हैं इसी तरह से, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा से। चलिए आपको कड़कनाथ का देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से अभी तक तो ग्रोथ हो रही है। ओके, मैं सभी को चेक करती हूँ फिर बताती हूँ आप सबों को। अभी तक तो सभी का ग्रोथ अच्छा से चल रहा है, और देखिए ह्यूमिडिटी फोगर भी मैं लगा दी हूँ, और इस तरह से ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप सबको मेरे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।